वेलकम बैक बच्चों, सर्कल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि कौन सा चैप्टर रिकॉर्ड करना है, तो सर्कल की ही रिक्वेस्ट आई। लगभग जो है पाँच से छः रिक्वेस्ट आ चुकी है जब मैं रिकॉर्ड करने बैठ रहा हूँ जब तक। तो सर्कल चैप्टर हम शुरू करते हैं। देखिए, सर्कल चैप्टर से एक दो तो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे एक एक मार्क्स के, और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे। सबसे पहले मैं बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूँ सर्कल के। तो बेसिक कंसेप्ट में ये है सर्कल का, जो बहुत बेसिक है, 9th में जो कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं वो तो मैं नहीं बताऊँगा, और वैसे उसका इसमें कुछ काम भी नहीं है, ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा, जहाँ भी काम पड़ेगा वहाँ हम बता देंगे। 10th के जो कंसेप्ट है उनको समझ लीजिए। तो 10th में जो कंसेप्ट पढ़ना है वो टेंजेंट का कंसेप्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले टेंजेंट होता क्या है वो समझ लेते हैं हम। टेंजेंट होता है बच्चों, किसी भी एक पॉइंट, बाहरी पॉइंट से सर्कल को टच करती हुई जो लाइन जाती है उसको टेंजेंट बोलते हैं। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, सर्कल की टेंजेंट हो जाएगी। टेंजेंट के बारे में एक बात मैं बता देता हूँ आपको, कुछ बातें बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि टेंजेंट और रेडियस आपस में, टेंजेंट और रेडियस ऑफ अ सर्कल जो कि टेंजेंट को टच करता है, वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। दूसरी बात टेंजेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि एक पॉइंट से दो ही टेंजेंट बन सकते हैं किसी भी सर्कल पर। एक पॉइंट से सिर्फ दो टेंजेंट बन सकते हैं, दो टेंजेंट के अलावा हम एक भी टेंजेंट नहीं बना सकते। तो मैक्सिमम दो टेंजेंट्स बन सकते हैं किसी भी एक पॉइंट से सर्कल पर। एक दो बात हो गई। तीसरी बात मैं बता देता हूँ आपको कि तीसरी बात यह है कि दोनों जो टेंजेंट बनते हैं सर्कल के, मान लो एक टेंजेंट बना PT और दूसरा टेंजेंट बना PQ, तो PT वाला टेंजेंट PQ वाले टेंजेंट के हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब दोनों टेंजेंट्स की साइज़, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। अगली बात मैं बता देता हूँ टेंजेंट के बारे में, वो ये है कि टेंजेंट का जो एंगल बनता है और टेंजेंट के सामने वाला जो रेडियस एंगल बनाता है, ठीक है, दोनों रेडियस जो एंगल बनाते हैं, दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री का आता है उन दोनों का सम, ठीक है। यानी कि एंगल P और एंगल O को जब हम मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं दोनों। अगली बात या चौथी बात मैं बता देता हूँ टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट और जो सेंटर है उसको जो लाइन मिलाई, उस टेंजेंट और सेंटर को जो लाइन मिलाती है आपस में, हम अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन उन दोनों को जो है, उन दोनों को सिमिलर ट्रायंगल में, बल्कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देती है। और सिंपल भाषा में अगर बोलें तो ये जो है बाइसेक्ट कर देती है उनको, ठीक है, दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर देती है। मतलब ये वाला एंगल दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और सामने वाला एंगल भी दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3-4 बातें आपको टेंजेंट्स के बारे में याद रखनी है। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले 10.1 के जो अपने ऑब्जेक्टिव्स थे वो तो मैंने करवा दिए थे, 10.2 के हम कर लेते हैं। तो 10.2 में सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। बोला गया है एक टेंजेंट है जो कि सेंटर बाहरी पॉइंट से बनाया गया है, उसकी लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है और उसी पॉइंट से सेंटर तक की दूरी जो है 24 सेंटीमीटर है, तो रेडियस निकालना है। बहुत सिंपल सा तरीका है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है बच्चों, ठीक है, इस टाइप से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी ये 25 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। 24 सेंटीमीटर जो है लेंथ हो जाएगी उसकी, टेंजेंट की। तो सिंपल सी बात है, हाइपोटेनियस हमें दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो सिंपल सा तरीका ये है कि हमें पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो है हमें निकालना है, यानी कि रेडियस निकालना है, तो उसका स्क्वायर हम रहने देते हैं ऐसे ही, 25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 24 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पी की, यानी कि रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 625 माइनस 576 का अंडर रूट। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो रूट में आ जाएगा 49, जो कि
7 होता है, तो 7 सेंटीमीटर उसका रेडियस आ जाएगा। अब जो है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस फिगर में दिया हुआ है, मैं समझा देता हूँ उस क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये 110 डिग्री का एंगल है, तो ये इसके सामने वाला एंगल निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया था ये दोनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री के होते हैं। तो ये 110 का एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो डायरेक्टली, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम इसको डायरेक्टली कर रहे हैं, तो 70 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो भी एक ऑब्जेक्टिव है। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ़ अ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ओ ए। पी ओ ए की वैल्यू निकालना, मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक टेंजेंट ड्रॉ करो सर्कल पे, ठीक है, ये ओ है, ये ए है, ये पी है, ठीक है। तो हमें जो एंगल निकालना है, हमें जो एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है ये वाला, ये पूरा के पूरा एंगल जो है 80 डिग्री दिया है। इसका मतलब इसका जो सामने वाला एंगल होगा बच्चों 100 हो जाएगा, ठीक है। ये जो 80 है तो इसके सामने वाला एंगल 100 हो जाएगा। और मैंने अभी बताया था आपको कि अगर ये लाइन ड्रॉ करते हैं हम तो दो इक्वल हिस्सों में उसको डिवाइड करती है। तो ये जो 100 वाला एंगल है ये भी दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होगा, यानी कि नीचे वाला भी 50 और ऊपर वाला भी 50 डिग्री का एंगल। इसका मतलब पी ओ ए एंगल जो है वो 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, ठीक है। बोला गया है कि अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें सर्कल के डायमीटर पर, मान लो ये सर्कल का सेंटर और ये डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर उस लाइन को बोलते हैं जो सेंटर से पास होती हुई जाती है, उससे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों के दोनों एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, मतलब 90 डिग्री, वो सॉरी एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, मतलब एक दूसरे से के सामने होते हैं, कभी भी एक दूसरे से वो मिल नहीं सकते। अब हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, और यहाँ पर नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है, और ये ओ हो जाएगा। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि पी क्यू वाला जो है वो पैरेलल है आर एस वाले टेंजेंट से, हमें ये जो है प्रूफ करना है। तो अब देखें, अगर हमें ये पता होना चाहिए, वो पहले मैंने बता दिया था कि टेंजेंट हमेशा रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये वाला टेंजेंट भी 90 का एंगल बनाएगा। तो अगर हम देखें तो एंगल पी ए ओ और एंगल एस बी ओ, एंगल एस बी ओ, ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, ठीक है। तो और हमें पता होना चाहिए ये वाला जो एंगल होते हैं, ये जो दो लाइन और एक ट्रांसवर्स लाइन के बीच में जो एंगल होते हैं वो एंगल कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं, ठीक है, तो दो लाइंस पैरेलल होती है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे पी क्यू पैरेलल टू आर एस, इससे हमें पता चल रहा है पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। उसका रीज़न लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ए आई ए आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब इक्वल होते हैं तो दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है। ये वाली चीज़ 9th में जो है सिखाई जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। और ये जो है थोड़ा सा अच्छे से आप सजा कर गीवन और ये सब करके जो है एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अभी हमें टाइम बचाने के लिए जल्दी जल्दी करना है। अगला जो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जो शुरू में ऑब्जेक्टिव आया था, तो वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। बोला गया है ये जो लेंथ है जो है 5 सेंटीमीटर दी हुई है, मतलब ये जो टेंजेंट है ये लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये टेंजेंट जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, तो सिंपल सी बात है पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से इसका आंसर जो है 3 आ जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था बिल्कुल वैसा ही होगा। तो इसको मैं करवा नहीं रहा हूँ, अपना वक्त बचेगा इसके लिए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 है इम्पॉर्टेंट, टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल होता है बच्चों वो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है, मतलब एक के ऊपर एक सर्कल बना दो सेम सेंटर से, उनको कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। अभी ड्रॉ करके मैं आपको बताऊँगा। ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन
हमें बताया गया है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस जो है कितना दिया हुआ है हमें, का रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर छोटे वाले का, और बड़े वाले का जो रेडियस है वो जो है 5 सेंटीमीटर दिया है, मतलब इसका अपन यहाँ पर ले सकते हैं 5 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है उस कॉर्ड की लंबाई जो कि छोटे वाले सर्कल को टच करती हुई जाए, मतलब इसकी लंबाई बताना है। इसको ए बी नाम दे देते हैं अपन, सेंटर को ओ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमें जो लंबाई बताना है, इस कॉर्ड की लंबाई बताना है। मान लो ये कॉर्ड जो है यहाँ पर किसी पी पॉइंट पर टच कर रही है इस सर्कल को, ठीक है। तो हमें मालूम है ये जो लंबाई होगी ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये छोटे सर्कल का रेडियस है। अब हम जो है ओ को और ए को ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने यहाँ से जो है इसको जब ज्वाइन किया है तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये 9th में जो है एक थ्योरम है वो बताई जाती है कि जब सेंटर से कॉर्ड पर हम जो है कॉर्ड पर 90 डिग्री का जो है एंगल, 90 डिग्री का एंगल मतलब लाइन बनाते हैं, तो वो जो है 90 डिग्री का होता है और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब उस कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। सिंपल सा तरीका ये है कि परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया और ज्वाइन कर दिया है ओ और ए को, ठीक है। अब ओ और ए की लंबाई क्या होगी आप बताइए। ओ और ए की लंबाई होगी इस सर्कल का बड़े वाले सर्कल का रेडियस, और बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर है। तो इसकी मदद से इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ पी ए, ओ पी ए वाला ट्राइंगल लेके हम ए पी की लंबाई निकाल सकते हैं, और जब ए पी की लंबाई आ जाएगी तो उसका डबल कर देंगे तो पूरी ए बी यानी इस कॉर्ड की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। इस ट्राइंगल में हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कि ओ ए का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर रखेंगे 5 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ओ पी की वैल्यू जो है 3 स्क्वायर है, प्लस ए पी हमें निकालना है, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, और 3 इधर आएगा -3, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट में, 25 में से 9 जाएंगे 16 बचेंगे ए पी, और 16 जो है रूट में जो है उसकी वैल्यू आती है 4, तो 4 सेंटीमीटर ए पी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें जो ए बी निकालना है, ए बी वो ए पी का डबल है, मतलब ए पी और ए पी के दो मतलब दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया ए बी को, तो ए पी बना, तो ए पी का डबल है, इसका मतलब हमें ए बी की वैल्यू मिलेगी 2 × 4 मतलब 8 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, अगला क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक थ्योरम है जिसको हम सप्लीमेंट्री थ्योरम बोलते हैं। ये बोला गया है इसके अंदर कि एंगल जो होते हैं सामने वाले वो 180 डिग्री के होते हैं, वो प्रूफ करना है हमें, जैसा कि अभी हम उसको मानते हुए आ रहे थे, अब हमें उसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं इसका, कि एक पॉइंट से अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करें, मान लो ओ रेडियस है पी टी और ये क्यू हो जाएगा, तो हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल पी प्लस, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, कि एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री है। बहुत सिंपल सा तरीका है प्रूफ करने का इसका। सिंपल सा तरीका ये है कि ये जो पी टी ओ क्यू, पी टी ओ क्यू क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी चार कोने वाला जो फिगर होता है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पर एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू, चारों का सम 360 डिग्री होगा। उसका रीज़न देंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये, ठीक है। अब हमें पता है एंगल टी और एंगल ओ 90 डिग्री के, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 का एंगल बनाता है। तो एंगल पी प्लस 90 डिग्री, टी प्लस एंगल ओ ऐसा कैसे, प्लस क्यू की वैल्यू भी 90 डिग्री, ये हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। 90 और 90 हो जाएगा 180, तो पी प्लस एंगल ओ प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 180 को उधर भेज देते हैं, तो एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो एंगल पी प्लस एंगल ओ आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे आप,
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें बता रहा हूँ किस टाइप से लिखना है अपने को। सबसे पहले तो हमें मानना होगा लेट अ सर्कल ऑफ ऑफ सेंटर ओ एंड फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, हमने पॉइंट पी से जो है पी टी और पी क्यू दो टेंजेंट जो है ड्रॉ किए हैं, ठीक है। फिर टू प्रूफ करके हमें लिखना पड़ेगा, कि एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमें ये प्रूफ करना है। फिर उसके बाद में लिखना पड़ेगा एज पी टी ओ क्यू इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, पी टी ओ क्यू एक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी वजह से ये सब जो है मिलाकर एंगल मिलाकर 360 हो जाएंगे। और फिर उसके बाद नीचे लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंगल टी और एंगल क्यू जो है 90 डिग्री के हैं, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। फिर उसके बाद में जो है हमें ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगी और आखिरी में हैंस प्रूव्ड लिख देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज़ अ रोम्बस। हमें ये प्रूव करना है कि एक सर्कल पर जो सर्कमस्क्राइब होता है, यानी कि सर्कल के ऊपर जो एक पैरेललोग्राम हम बनाएं अगर, तो वो एक क्या होगा, रोम्बस होगा। हमें ये प्रूफ करना है। तो सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले तो हम एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं और सर्कल पे जो है एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं जिसकी सामने वाली साइड्स जो है पैरेलल हों। तो ए बी सी डी एक मैंने जो है पैरेललोग्राम बना दिया जो कि पी क्यू आर एस पर, पी क्यू आर एस पर टच कर रहा है इस सर्कल को, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि इसके ये एक पैरेललोग्राम है, ये चीज़ तो हमें ऑलरेडी दी हुई है। अब हमें ये प्रूफ करना है सिंपल से तरीके से कि ये जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल हैं, क्योंकि रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं वो रोम्बस होता है। तो हमें प्रूफ यह करना है कि ए बी इज़ इक्वल टू, ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू सी डी इज़ इक्वल टू ए डी, बस हमें ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रोम्बस है। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है, इस वजह से ये चीज़ तो ऑलरेडी प्रूफ हो गई कि ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, सामने वाले साइड पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। इसी तरीके से बी सी इज़ इक्वल टू ए डी भी प्रूफ हो गया, मतलब ये तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि पैरेललोग्राम दिया इसका मतलब ये है कि सामने वाले साइड्स तो इक्वल होंगे ही। अब हमें जो है बस इनके जो है एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना है, तो सारे ही साइड जो है इक्वल हो जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें पता है कि ए से ये जो दो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं ये इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जो है ए पी इज़ इक्वल टू ए एस हो जाएगा। उसी तरीके से डी एस इज़ इक्वल टू डी आर हो जाएगा, ठीक है, डी एस इज़ इक्वल टू डी आर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ए एस पहले लिखेंगे यहाँ पर हम और ए पी बाद में लिखेंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम इस टाइप से लेंगे, फिर उसके बाद हमें लेना पड़ेगा सी क्यू इज़ इक्वल टू सी आर, और फिर उसके बाद में हमें लेना पड़ेगा बी क्यू इज़ इक्वल टू बी पी, इस टाइप से हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे, ठीक है, इन सबको जो है हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर जो है जब प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा ए एस प्लस डी एस, ठीक है, ए एस प्लस डी एस, इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, और सी क्यू प्लस बी क्यू, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं हम, सी क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, समझ में आया, ये चारों इक्वेशन होगी। फिर उसके बाद में हमें लिखना पड़ेगा एड 1 2 3 4, मतलब चारों इक्वेशन को हमें प्लस करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये प्लस होगा, ऐसे राइट हैंड साइड पे हमें ऐसे प्लस करना है ए पी प्लस डी आर, तो ए पी प्लस डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी, ठीक है। अब हम जो है ए पी और बी पी को एक साथ ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आपको, और डी आर और सी आर को एक साथ ले लेंगे, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं ना अपन इनको। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, आप सोच के बताइए, ए एस और डी एस को मिलाएंगे तो ए डी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा प्लस। अब अगर हम जो है सी क्यू और बी क्यू को मिलाएंगे तो हो जाएगा बी सी इज़ इक्वल टू,
ये हो जाएगा आपका AP प्लस BP, AP प्लस BP कितना हो जाएगा AB। इसी तरीके से ये हो जाएगा CR प्लस DR, CR प्लस DR हो जाएगा CD। ठीक है, अब हमने इससे क्या कर दिया, अब हमें पता है यहाँ पर, अब यहाँ यहाँ आएंगे अपन जो शुरू में हमने माना था, मतलब ये तो हमें प्रूफ करना है। अब जो शुरू में जो है हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में कि ये रोम्बस है, तो अब हम क्या कर देंगे, AB को CD लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो AB को यहाँ पर हम लिख देंगे CD। इसी तरीके से इधर वाले BC को हम AD लिख सकते हैं, तो BC को जो है हम AD लिख देंगे। ठीक है, तो AD प्लस AD इज इक्वल टू AB को भी हम जो है CD लिख सकते हैं, प्लस CD हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 AD इज इक्वल टू 2 CD, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो AD इज इक्वल टू CD हो जाएगा। ठीक है, तो AD जो है CD के जो है हमने बराबर कर दिया। इसी तरीके से सिमिलरली लिख देंगे, 3 मार्क्स में आएगा, डायरेक्टली हम कर देंगे। सिमिलरली BC भी CD के बराबर हो जाएगा, और BC भी CD के बराबर हो जाएगा, और AB वो BC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता लग रहा है कि चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, इसको हम जो है इक्वेशन नंबर 5, 6 और 7 बोल देंगे। ठीक है, तो बाय 5, 6 एंड 7 चारों साइड्स, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गए। या फिर हम ऐसे लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, इस टाइप से लिख देंगे, AB प्लस BC प्लस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, और इम्प्लाइज दैट ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। एक थ्योरम जो मुझे शुरू ही में करानी थी वो मैंने जो है शुरू में नहीं कराई, अब कर लेते हैं उसको, थ्योरम को, उसको टेंजेंट थ्योरम बोलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अब उसको हम कर लेते हैं। टेंजेंट थ्योरम हमें क्या बोलती है कि जो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं वो इक्वल होते हैं, वो प्रूफ करो। ये अभी हमने मानते हुए चले थे इस चीज़ को, अब हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो टेंजेंट थ्योरम हमें ये बोलती है कि जो 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वो इक्वल होते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 टेंजेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे, PT और PQ, वो जो है सेंटर हो जाएगा सर्कल का, और PO को जो है हमें ज्वाइन कर देना होगा। अब हमें ये 2 ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, हमें ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, ट्राइंगल PTO एंड ट्राइंगल PQO। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, ऊपर वाले ट्राइंगल का PO और नीचे वाले ट्राइंगल का भी PO, दोनों के दोनों कॉमन है। ठीक है, दोनों में एक साइड तो कॉमन है। उसके बाद ऊपर वाले ट्राइंगल का एंगल T और नीचे वाले ट्राइंगल का एंगल Q दोनों के दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों 90 डिग्री के एंगल है। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के एंगल है, क्यों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अभी RHS रूल से बाय RHS रूल होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अगर 2 ट्राइंगल के राइट एंगल हों, यानी दोनों 90 डिग्री हों, और उनका हाइपोटेनियस साइड इक्वल हो, तो उसको बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल। उस रूल के अकॉर्डिंगली वो दोनों टेंजेंट, दोनों जो है सर्कल्स, सॉरी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो इस वजह से ट्राइंगल, देयरफॉर बाय RHS रूल ट्राइंगल PTO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQO, दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब दोनों 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो बाय CPCT उनके सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट, सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा, इस वजह से जो है ऊपर वाले की PT साइड नीचे वाले की PQ साइड के जो है बराबर हो जाएगी। ये जो है हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ कर दिया, इसको टेंजेंट थ्योरम बोलते हैं। पूरे लिखकर, गिवन वगैरह लिखकर मैंने नहीं कराया है, वो आपको परीक्षा बोर्ड वगैरह में मिल जाएगा। ये सारे हमने शॉर्ट फॉर्म में किए हैं, जो मेन कंसेप्ट्स है वो बताए हैं मैंने। एग्ज़ाम में आप ऐसा नहीं करके आएंगे, एग्ज़ाम में आप पूरा जो है डिटेल में उसको लिख कर आएंगे। जो मेन कंसेप्ट्स है, जो समझने लायक होते हैं, वो मैंने बता दिए हैं।
इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो के लिए रिक्वेस्ट भेज दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।